हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनअकैडमी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का अनअकैडमी यूजीसी नेट में। और सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग अनु मनु, सोनाली, संदीप, रश्मिता, अनु राजपूत, सुमित्रा, सभी को गुड इवनिंग गाइस। सो क्या हाल चाल आप सबके, कैसे हैं आप सब लोग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस वो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। और जैसा कि हमने कल जो शुरुआत किया था आपका टाउन प्लानिंग से, हमने शुरुआत की थी टाउन प्लानिंग की। जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं, जो भी रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, उनको हमने कवर किया था। आज गाइस और कुछ एस्पेक्ट्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं, जो मेन फीचर्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के हैं, जो मुख्य मुख्य जो विशेषताएं हैं उनको हम कवर अप करेंगे थ्रू द एमसीक्यूज। और आज का जो हमारा मेन जो एमसीक्यूज है वो है आपके इंडस वैली की मेन साइट से, जो मुख्य मुख्य आपके जो स्थल हैं उनसे आपके क्वेश्चंस होंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके किससे हैं, मेन साइट से, जो हड़प्पा सभ्यता के मुख्य मुख्य स्थल हैं और उनकी कुछ विशेषताएं, क्या वस्तु वहां से मिली है ना, क्या उनकी खासियत है, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आपने पुराने लेसन्स देख लिए होंगे जो भी हमने पहले कवर अप किए थे। अगर नहीं देखा तो गाइस उनको भी देखिएगा, उनसे भी आपको काफी मदद मिलेगी। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। और वंस अगेन गुड इवनिंग टू एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग। एक बार आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, एवरीवन प्लीज शेयर द वीडियो, जितने भी आपके ग्रुप्स है गाइस वहां पे एक बार शेयर कर दीजिए। और शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, उसके बाद में गाइस अगर आप प्लस पे पढ़ना है और आपको क्रैश कोर्स करना है पेपर टू, जिसमें हम टॉप 100 जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करेंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने वाले हैं। तो अगर आपको पढ़ना है टॉप 100 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, तो आप अन अकेडमी का प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है गाइस उसको ले सकते हैं। और जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें तो रेफरल कोड शिव10 है, इसको अप्लाई कीजिए, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट गाइस आपका सिर्फ और सिर्फ फरवरी महीने के लिए है। मार्च महीने से आपका ये डिस्काउंट है ये 5% होने वाला है, ओनली 5%। तो जिसको भी ज्वाइन करना है आप यहां से इसको ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रेफरल कोड। कोर्स को जब ज्वाइन करें तो 12 मंथ का ही आप कीजिएगा, क्योंकि इसी से आपका जो पूरा सिलेबस है गाइस वो कवर अप हो पाएगा। और ये मेरा प्रोफाइल है, फॉलो नहीं किया तो यहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद जितनी भी प्लस और स्पेशल क्लासेस हैं उनके रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। पेपर टू की जो फ्री क्लासेस होती हैं हमारी, 7:30 बजे आपका हिस्ट्री का क्लासेस होते हैं, जिसमें अभी हम जो आपका साउथ इंडियन हिस्ट्री है उसको कवर अप कर रहे हैं। साउथ इंडियन हिस्ट्री को मैं कवर अप यहां से कर रहा हूं। तो जिसको भी साउथ इंडियन हिस्ट्री कवर करनी है वो 7:30 बजे ये फ्री क्लासेस को ज्वाइन करें। और पेपर वन की जो क्लासेस हैं वो आपकी 4 बजे होनी है। और अनलॉक कोड है गाइस आपका शिव10, इस कोड को अप्लाई करके जितनी भी फ्री क्लासेस हैं उनको आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो मेन क्वेश्चंस होंगे टाउन प्लानिंग से होंगे और मुख्य मेन साइट से आपके क्वेश्चंस होंगे, मेन साइट्स। चलो जी तो शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सो बताओ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट हैव रिसीव्ड एविडेंस ऑफ फायर अल्टार्स। निम्नलिखित किन हड़प्पन स्थलों से अग्नि वेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, अमरी, बनावली, बनावली, कालीबंगा, रंगपुर। अमरी, बनावली, कालीबंगा और रंगपुर। और आपको कोड दिया है, आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। ओनली 1 और 2, केवल 1 और 2, ओनली 3 और 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, सही आंसर आपको बताना है। और 15 सेकेंड है दोस्तों, और 15 सेकेंड में आपको करेक्ट आंसर इसका देना है। सो दीजिए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, एवरीवन फटाफट से आंसर बताओ सब लोग। निम्नलिखित किन हड़प्पीय स्थलों से अग्नि वेदिका के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, द फॉलोइंग हड़प्पन साइट हैव रिसीव्ड एविडेंस ऑफ फायर अल्टार्स। सो अनु राजपूत, सी अभिजीत, बी अनु मनु, बी शशांक मनी मौर्या, बी
बी और सी में मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे आंसर दे रहे हैं। लेट्स सी करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, बताइए। द फॉलोइंग हरप्पन साइट हैव रिसीव्ड एविडेंस ऑफ फायर अल्टार्स, अमरी, कालीबंगा, रंगपुर, ए बी सी या डी। जो सही आंसर है, जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका बी गाइस, ठीक है। जो अग्निवेदिका के हमें जो प्रमाण मिले हैं वो कहाँ कहाँ से मिले हैं हमें गाइस? एक तो आपको कालीबंगा से मिले हैं, कालीबंगा, ठीक है। एक आपको मिले हैं रंगपुर से। तो ये चीज भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है गाइस। एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कालीबंगा और रंगपुर, कालीबंगा और रंगपुर, ओनली थ्री एंड फोर, तो याद रखना है आपको, भूलना नहीं है गाइस। ओके, तो जिसका भी आंसर बी है वो 2+ अपने स्कोर में करें और गाइस आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा कालीन स्थल पर जहाजी मालघाट है बताओ? शिप पोर्ट इसको बोल सकते हैं, पोर्ट भी बोल सकते हो आप गाइस इसको, है ना, बंदरगाह जिसको बोलते हैं, सोटुगोई, लोथल, धोलावीरा या कालीबंगन। 15 सेकेंड है और 15 सेकेंड में आपको आंसर देना है। सो बताओ, एट विच हड़प्पन साइट इज द शिप मालघाट, यानी जहाजी मालघाट कौन सा है यहाँ पे इसमें से? सोटुगोई है, लोथल है, धोलावीरा है या कालीबंगन है, बताइए। एट विच हड़प्पन साइट इज द शिप मालघाट, जो जहाजी माल घाट है गाइस वो कहां से मिला है? सोटुगोई, लोथल, धोलावीरा या कालीबंगन, ए बी सी या डी। और काफी लोग इसका आंसर बी दे रहे हैं। सो करेक्ट आंसर इज बी गाइस, है ना, बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। जो इसमें से आप देखोगे गाइस तो जो लोथल है वो क्या है आपका, पोर्ट सिटी है, वो किसके है, अरेबियन सी के किनारे है आपका, अगर मैप को आप देखोगे ऐसे, ठीक है, तो ये अरेबियन सी के किनारे है आपका यहां पे, यानी ये क्या है आपकी, पोर्ट सिटी है। अब इसकी लोकेशन आप देखोगे तो ये देखिए, ये है आपका लोथल, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या मिला है, एक बंदरगाह मिला है, एक पोर्ट मिला है गाइस, ये एक पोर्ट सिटी है आपकी, तो ये चीज भी आपको याद रखना है, भूलना नहीं है एवरीवन, ठीक है। सो गाइस, बी इज द करेक्ट आंसर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें, एवरीवन प्लीज शेयर द वीडियो, जितने भी आपके ग्रुप से गाइस एक बार शेयर करो फटाफट से सभी लोग, है ना, और एक बार लाइक का बटन भी दबा दीजिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन नगरों में किस स्थान पर हल से जोता गया खेत मिला है? सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बच्चों का क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए किसी का भी। इन द हड़प्पा सिटीज वेयर वाज द प्लो फील्ड फाउंड, हल से जोता गया खेत कहाँ पे मिला है? कालीबंगा से, राखीगढ़ी से, बनावली से और देसलपुर से, बताओ आंसर क्या होगा आपका। हड़प्पा काली नगरों से किस स्थान पर हल से जोता गया खेत मिला है आपको? कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली या देसलपुर। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे, तो लेट्स सी,
क्या होगा करेक्ट आंसर गाइस आपका? एवरीवन आंसर दीजिए। और जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ई, ए इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, कालीबंगा कहाँ पे? गंगानगर, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है गाइस। एट प्रेजेंट में आप बात करो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, हनुमानगढ़। और इसकी जो खोज थी वो अमलानंद घोष ने की थी, अमलानंद घोष ने 1953 में। क्लियर। और यहाँ पे आपको जुते हुए केस खेत के क्या मिले हैं? एविडेंस मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। अमलानंद घोष ने 1953 में इसकी क्या की थी? खोज की थी गाइस, अमलानंद घोष। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। और जिसका भी सही है वो 2+ अपने स्कोर में आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हरप्पन टाउन। हरप्पा काली नगरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओल्ड टाउन्स वर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस। देर वॉज अ पोर्ट इन लोथल। ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होगा इसका। और 15 सेकंड है गाइज आपके पास में, और 15 सेकंड में आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। हड़प्पा काली नगरों से के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओल्ड टाउन्स वर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। देर वॉज अ पोर्ट इन लोथल। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ओनली वन इज करेक्ट, ओनली टू इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नाइदर वन नाइदर टू इज करेक्ट। सो बताओ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हरप्पन टाउन। वन टू, दो स्टेटमेंट है आपको बताने कि सही आंसर क्या है इसका। ए बी सी या डी, सही आंसर बताइएगा गाइस एवरीवन। सो करेक्ट आंसर है, और काफी लोग इसको सही भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको गलत भी कर रहे हैं। कुछ लोग इसका आंसर सी दे रहे हैं गाइस। तो एक चीज मुझे बताओ कि क्या सारे के सारे नगर नदी के किनारे अवस्थित थे? ऐसा पॉसिबल है कि सभी नगर सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे, सभी के सभी नगर इंडस रिवर के किनारे? तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है गाइस, और जो सेकंड वाला है वो आपका ठीक है। सो जो सही आंसर है वो है मेरा बी, ओनली टू इज करेक्ट, ओनली टू करेक्ट, सिर्फ दो सही है। ठीक है, अब यहां पे आप देखिएगा कि इंडस रिवर देखिए ये है गाइस, है ना, ये वाली इंडस रिवर है आपकी, लेकिन साइट तो हमारी यहाँ पे भी मिल रही है आपकी, यहाँ पे भी मिल रही है गाइस, लूनी यहाँ पे भी मिल रहा है, देखो यहाँ पे भी मिल रहा है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है गाइस, है ना। तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, है ना, आंसर इसका बी होगा, बी इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, ओनली टू इज करेक्ट। तो जिसका भी सही है बी वो 2+ अपने स्कोर में कीजिए गाइस। क्लियर एवरीवन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है सबको एवरीवन? कोई डाउट हो किसी को तो आप मुझसे पूछ सकते हैं गाइस, ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ओनली टू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। द फॉलोइंग आर टू स्टेटमेंट, एक असर्जन है और दूसरा आपका रीजन है। ठीक है, एक अभिकथन है और एक कारण है आपका। अभिकथन में क्या बोला गया है? नाउ देर इज वेरी लिटिल डाउट डेट सर्टेन एस्पेक्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर फाउंड इन द कल्चर ऑफ द सेकेंड एंड फर्स्ट मिलेनियम। रीजन क्या दिया है इसका?
द एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्ली हैती सिविलाइजेशन बिटवीन द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड द वैदिक कल्चर इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द अबव स्टेटमेंट. और ये तो इंग्लिश में है गाइज, अब इसको हिंदी में भी पढ़िए. आप इस क्वेश्चन को, नीचे दिए गए कथनों को एक अभिकथन है और एक आपका क्या है, कारण है गाइज. सो बताओ मुझे करेक्ट आंसर क्या होगा. और आपके पास में है 15 सेकेंड है और आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा आपका. एवरीवन, असर्जन और आपको रीजन दिया है. ए बी सी या डी, और काफी लोग इसका आंसर बी दे रहे हैं. और ये क्वेश्चन गाइज मैंने आपको स्पेशल क्लासेस में करवाया था. अगर आपने मेरी क्लासेस ली हैं तो जब हम 2019 का पेपर हम सोल्व कर रहे थे, एनटीए का, एनटीए 2019 का पेपर जब मैंने सोल्व करवाया था तब आपको ये क्वेश्चन करवाया था. जो हमारी 7:30 वाली जो क्लास है अनअकैडमी पे, वहां पे मैंने इसको कवरअप किया था, अगर आपको ध्यान है तो. सो बताओ आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, असर्जन और रीजन. सो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है, और साथ में मुझे ये भी बताओ कि ये जो हैती सिविलाइजेशन है ये कहाँ पे है. एवरीवन एक बार कमेंट करके मुझे बताएगा कि ये जो हैती सिविलाइजेशन है ये कहाँ पे हैती सभ्यता. सो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी. देखो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं, बट जो सेकंड वाला है उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं गाइज, ठीक है. तो बी इज द करेक्ट आंसर और याद रखते हैं गाइज. अब जो आपका हैती सिविलाइजेशन है, जो ये कहाँ पे है गाइज, हैती बोलते हैं इसको, और ये आपका जो तुर्की है गाइज, है ना, तुर्की वाला जो पार्ट है वहां पे है आपका हैती सिविलाइजेशन. तो ये चीज भी आपको याद रखना है. क्लियर एवरीवन? सो बी इज द करेक्ट आंसर. और जिसका भी सही है वो 2+ अपने स्कोर में आप कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है. बताइएगा, एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस साइट वाज अ स्मॉल पोर्ट सपोज टू हैव बीन एन इंक पॉक डिस्कवर्ड. बताइए स्याही कहां से डिस्कवर हुई थी, ये आपको बताना है. चहुंदड़ो से, मोहनजोदारो से, लोथल से या धोलावीरा से, बताओ. एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस साइट वाज अ स्मॉल इंक पॉट सपोज टू हैव बीन एन इंक पॉट डिस्कवर्ड. इंक पॉट कहां से मिली है बताइए आंसर. ए बी सी या डी. तो पहला आंसर सुभाष स्मिता ने दिया है इस बार, और ए आंसर जाकिया ए, अरुणिमा बी, संदीप ए, सुमित्रा ए, मनोज बी. तो ए और बी में सब लोग हैं. अभी देखते हैं कितने लोग इसको सही कर पाएंगे. सो गाइस बताओ आंसर, इंक पोट है वो कहाँ से मिला है आपको. ए या बी, एट विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस साइट वाज अ स्मॉल पोर्ट सपोज टू हैव बीन एन इंक पोर्ट डिस्कवर्ड. चहुंदरो, मोहनजुदारो, लोथल या धोलावीरा. और जो सही आंसर है गाइज, जो करेक्ट आंसर है वो है मेरा ए, चहुंदरो इज द करेक्ट आंसर. जो हमें इंक पोर्ट मिला है वो कहां से मिला है, चहुंदरो से मिला है. अब मुझे कमेंट करके बताइए कि चहुंदरों से और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको मिली हैं. मेन फाइंडिंग्स, कौन कौन सी वस्तुएं हैं गाइस जो आपकी चहुंदरों से मिली हैं, एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइएगा. ए बी सी या डी. तो जो करेक्ट आंसर है आपका, जो सही आंसर है गाइस, वो है आपका
इज द करेक्ट आंसर, ये हमने देख लिया। अभी आप थोड़ा सा देखिए कि चमुंद्रों से क्या मिला है गाइस। सबसे पहले तो देखना है कि 1931 में इसकी खोज हुई थी, ठीक है, और स्थिति कहां पे है, लोकेशन की बात मैं करूं तो लोकेशन कहां पे है इसकी, मूलासंदा ऑन द सिंध रिवर पे अवस्थित है। एनजी मजूमदार ने इसकी खोज की है, खोजकर्ता, उसके बाद में गाइस यहां से आपको बेंगल की फैक्ट्री मिली है यानी चूड़ी बनाने की फैक्ट्री, इंक पोर्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, बीड मेकर सोप यानी मनके की फैक्ट्री यहां पे मिली है, और फुटप्रिंट ऑफ डॉग चेजिंग कैट है ना, कुत्ते और बिल्ली के भी अवशेष मिले हैं, कार्ट विद अ सीटेड ड्राइवर। और एक चीज आपको याद रखनी है कि गाइस ये एक ऐसी सिटी है जहां पे सिटाडिल नहीं है, ठीक है, एक ऐसा सिटी है जहां पे सिटाडिल नहीं है। सिटाडिल का मतलब जो आपका अपर टाउन है वो नहीं है। देखो दो टाउन हमने बात किया था, अपर टाउन और लोअर टाउन, तो यहां पे जो अपर टाउन है जिसका फोर्टिफिकेशन था वो नहीं है, सिर्फ लोअर टाउन मिला है। एक यहां पे क्या मिला है आपको, सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री मिली है यानी मेकअप टूल्स मिले हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे लिपस्टिक वगैरह के एविडेंस यहाँ से आपको मिलेंगे। ये आपको याद रखना है, एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, आपको काफी हेल्प करेगा एग्जाम के लिए गाइस। जो करेक्ट आंसर है मेरा वो है ए, और जिसका भी ए आंसर है वो 2+ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द हरप्पन सिटीज इज मार्क्ड बाई द कॉन्स्पिसियस एब्सेंस ऑफ द टेराकोटा फिगराइन ऑफ द मदर गोडेस। हड़प्पा शहरों में कौन सा माँ, जो मातृ देवी की जो मूर्ति, कल हमने क्वेश्चन भी किया था वो नहीं मिली है, कल हमने किया था कि मिली है, आज आपको बताना है कि नहीं मिली है, हड़प्पा से, मोहनजोदारो, कालीबंगा या देसलपुर। 15 सेकंड, और 15 सेकंड में आपको आंसर देना है। सो बताइए सही आंसर क्या होगा। विच वन ऑफ द हरप्पन सिटीज इज मार्क्ड बाय द कॉन्स्पिसियस अब्सेंस ऑफ द टेराकोटा फिगराइन ऑफ द मदर गोडेस। हरप्पा है, मोहनजोदारो, कालीबंगन या देसलपुर, ए बी सी या डी। विच वन ऑफ द हरप्पन सिटीज इज मार्क्ड बाय द कॉन्स्पिसियस अब्सेंस ऑफ द टेराकोटा फिगराइन ऑफ द मदर गोडेस। सो लेट्स सी कितने लोग इसको सही कर पाएंगे, और काफी लोग इसका आंसर डी दे रहे हैं। थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दीजिएगा, देखो कॉपी मत करो किसी को भी, है ना, आपका खुद का दिमाग लगाओ, खुद का आंसर दीजिए यहाँ पे, हो सकता है डी वाला गलत भी हो। सो करेक्ट आंसर इज सी, कालीबंगा, सी इज द करेक्ट आंसर, और किसी ने भी ठीक नहीं दिया इसका आंसर गाइज, आंसर होगा सी। सी इज द करेक्ट आंसर, नोट बी, सी इज द करेक्ट आंसर गाइज, ठीक है, तो याद रखना सी करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आपको मदर गोडेस नहीं मिला है, एवरीवन बहुत अच्छे से याद रखना, यहाँ पे नहीं मिला है, हरप्पा से आपको मदर गोडेस मिला है, कहाँ से मिला है, हरप्पा से, मोहनजोदारो से हमें डांसिंग गर्ल मिली है, मोहनजोदारो से हमें डांसिंग गर्ल मिली, कल भी हमने किया था गाइस इस क्वेश्चन को, कल भी हमने किया था, और हड़प्पा से आपको मदर गोडेस मिला है, हड़प्पा से, तो हमें कालीबंगा से कोई भी मदर गोडेस का एविडेंस नहीं मिला है, ठीक है, और मनीषा ने ठीक आंसर दिया है, बाकी किसी ने सही आंसर नहीं दिया है, सब ने गलत आंसर किया है इसका, सिर्फ मनीषा ने ठीक दिया है। सो वेरी गुड मनीषा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, सी इज द करेक्ट आंसर गाइस। अब मुझे कमेंट करके आप बताइए कि कालीबंगा से और कौन सी चीजें मिली हैं, कालीबंगा से और क्या क्या चीजें आपको मिली हैं,
एक बार कमेंट करके आप बताइएगा सब लोग। कालीबंगा से आपको कौन कौन सी चीजें मिली हैं, कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं आपको? एवरीवन, जो करेक्ट आंसर है, कालीबंगा से आपको क्या क्या चीजें मिली हैं गाइज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो देखिए कि लोअर 45 टाउन, जो लोअर टाउन टाउन है गाइज, उसके चारों दीवार मिली है, वुडन ड्रेनेज मिला है, लकड़ी की नाली आपको मिली है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में कोपर ऑक्स मिला है आपको, अर्थक्वेक के एविडेंस मिले हैं, ये कल भी हमने किया था, क्वेश्चन भी आया हुआ है आपका। वुडन प्लो मिला है, लकड़ी का हल मिला है आपको। जो ऊंट है उसकी हड्डियां मिली हैं, यानी कैमल की बोन मिला है। फायर अल्टार यानी आपको हवन वेदिकाएं मिली है, अग्नि वेदिकाएं मिली हैं आपको, ठीक है। फरोड लैंड मिला है आपको। तो ये चीज इतनी है जो आपको मिली है, कहां से? कालीबंगा से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। अब कालीबंगा कहाँ पे है, हमने बात किया था हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, घग्गर रिवर के किनारे। खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष, 1953 में इसकी खोज की गई थी, ये बात ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ गाइस, ठीक है। और क्या मिला है आपको? चूड़िया में मिली है ब्लैक बेंगल, क्या मिले हैं? ब्लैक बेंगल, इसीलिए आपका नाम पड़ गया इसका कालीबंगा, यानी काली चूड़िया भी मिली है यहां से आपको। चूड़िया तो सब लोग जानते हो ना, ब्लैक बेंगल्स यहां से आपको मिली है। सो द करेक्ट आंसर इज कालीबंगा, और सी इज द करेक्ट आंसर। जिसका भी सही है वो 2+ अपने स्कोर में आप कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन से जाने से पहले एक बार आप सब लोग वीडियो को लाइक करो और एक बार शेयर कर दीजिए, एवरीवन फटाफट से एक बार लाइक भी कर दो और एक बार शेयर करें फटाफट एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, तो बताइए चावल की खेती के अवशेष कहां से मिले हैं आपको? ट्रेसेस ऑफ राइस कल्टीवेशन हैव बीन फाउंड एट आलमगीरपुर एंड सुरकोटड़ा, लोथल लोथल एंड रंगपुर, ये लोथल है गाइस, इसको करेक्ट कर दीजिए, लोथल एंड रंगपुर, धोलावीरा एंड कालीबंगा, या ओल हड़प्पन साइट, यानी जितनी की हड़प्पन साइट है वहां पे मिला है, बताइए सही आंसर बताना है आपको। 15 सेकंड आपके पास में है और 15 सेकंड में आपको आंसर देना है। सो बताइए सही आंसर क्या होगा? ट्रेसेस ऑफ राइस कल्टीवेशन हैव बीन फाउंड एट, राइस कल्टीवेशन के अवशेष कहां से आपको मिले हैं? तो कुछ लोग ए आंसर दे रहे हैं, सुबह स्मिता, ए स्वाति, बी सुमित्रा, ए प्रियंका, क्रिएशन, बी। तो ए और बी में सब लोग हैं, लेट्स सी किसका सही होगा। एक बार आप सभी लोग इसका आंसर कीजिए। ट्रेसेस ऑफ राइस कल्टीवेशन हैव बीन फाउंड एट, चावल की खेती के निशान कहाँ पे मिले हैं? आलमगीरपुर एंड सुरकोटड़ा, लोथल एंड रंगपुर, धोलावीरा एंड कालीबंगा, ओल हड़प्पन साइट, या जितनी भी आपकी हड़प्पा की साइट है वहां से इनके अवशेष आपको मिले हैं। सो बताओ सही आंसर आपका क्या होगा? सही आंसर क्या होगा, लेट्स सी। करेक्ट आंसर है गाइस आपका बी, लोथल लोथल एवं रंगपुर। कहां पे हैं दोनों, कौन से कंट्री में स्थित है, कौन से स्टेट में स्थित है? लोथल और रंगपुर से आपको गाइस चावल के अवशेष मिले हैं, यानी राइस के एविडेंस मिले हैं, एविडेंसेस ऑफ राइस, ट्रेसेस ऑफ राइस कल्टीवेशन। लोथल एंड रंगपुर से आपको क्या मिला है? आपको यहां से मिले हैं चावल के अवशेष, और आपको बताना है कि लोथल और रंगपुर कहां से हैं।
ये हड़प्पा की साइट की बात हो रही है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात हो रही है गाइस, है ना? तो बताओ मुझे, सो करेक्ट आंसर है गाइज, ये कहां पे है आपके? गुजरात में, गुजरात पे अवस्थित है ये। ठीक है, अब इनकी लोकेशन देखते हैं। एक तो है आपका लोथल, देखिए ये रहा लोथल, और ये है आपका रंगपुर, ये रहा लोथल और ये रहा आपका रंगपुर। यहां से आपको चावल के अवशेष मिले हैं। क्लियर एवरीवन? तो याद रखना है, भूलना नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूर एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके? तो याद इसको रखना है आप सभी को। और लोथल से आपको क्या क्या मिला है गाइस, और मुझे कमेंट करके बताओ कि लोथल से क्या क्या चीजें आपको मिली हैं। एक तो यहां से आपको क्या मिला है, डोकियाड मिला है गाइस, डोकियाड मिला है मुझे लोथल से, इसको भी आप नोट कर लीजिए। एक आपको राइस हस्क मिला है, जिसकी हमने अभी बात की है, यानी चावल के अवशेष आपको मिल गए। एक आपको क्या मिला है, बीड मेकिंग फैक्ट्री भी मिली है, बीड मेकिंग फैक्ट्री। ठीक है, और यहां पे आपको ईरानियन सील भी मिले हैं, ईरानियन सील, ईरान की सील भी मिली है। तो ये सारी की सारी चीजें कहां से मिली है आपको? लोथल से मिली है। तो ये चीज आपको याद रखना है एवरीवन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ क्वेश्चन। द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ हड़प्पन साइट हैज बीन फाउंड अलोंग द सतलज, इंडस, घग्गर या रावी। हड़प्पा स्थलों की सबसे बड़ी जो कंसंट्रेशन है, साधारणता है, वो एक साथ कहाँ पाई जाती है, लेकिन लार्जेस्ट कंसंट्रेशन कौन सी रिवर के किनारे मिलता है? सतलज के, सिंधु के, घग्गर हकरा रिवर या रावी रिवर, बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? सही आंसर बताना है एवरीवन, सतलज, सिंधु, घग्गर हाकरा या रवि। रवि, 15 सेकंड, और 15 सेकंड में आपको आंसर देना है। सो बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? प्रतीक्षा सिंह जी, सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया। देखो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा हड़प्पा स्थल कौन सी नदी के किनारे पाए गए हैं, कंसंट्रेशन। ठीक है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है प्रतीक्षा, कि सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कौन से नदी के किनारे हैं हड़प्पा के स्थलों का। सो ये आपको बताना है, सो ए बी सी या डी। अभी क्लियर है सबको, क्वेश्चन क्लियर है, एक बार आप मुझे बताओ सब लोग, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए गाइस, क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन हम अच्छे से डील नहीं कर पाएंगे, उसका सही आंसर भी नहीं निकल के आएगा। सो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी, घग्गर हकरा। ठीक है, तो ये देखो गाइज, ये वाला सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन आपको ये जो घग्गर रिवर है उसके किनारे आपको मिलता है। देखिए ये है आपका घग्गर रिवर, ठीक है, ये देखिए ये वाला जी रिवर है। ठीक है, तो याद आपको रखना है, भूलना नहीं है गाइस। ठीक है जी, तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहां पे मिलेगा? घग्गर और हकरा रिवर पे। सो जो करेक्ट आंसर है वो है मेरा आपका सी, सी इज द करेक्ट आंसर। और जिसका भी सही है 2+ अपने स्कोर में करो, और दोस्तों आगे बढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा द प्री डोमिनेंट प्रैक्टिस है हड़प्पा वास, क्रीमेशन यानी शमशान, बरिंग एस केप्ट इन एन अर्न यानी कलश में रखी भस्म को दफनाना, शव को साथ साथ दफनाया गया, शव के साथ बर्तनों को भी, बर्तनों के साथ शव को दफनाया जाता था,
स्थल को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक बनाया जाता था, जैसे कि आज भी बनाते हैं कुछ स्मारक, है ना। सो आप बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। यानी ये समाधान जो आपका प्रोसेस था, है ना, समाधान जो क्रिया है उससे संबंधित आपका क्वेश्चन है, यानी क्रीमेशन प्रैक्टिस से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही है, क्रीमेशन प्रैक्टिस। और आपके पास में है 15 सेकेंड। सो बताओ मुझे सही आंसर आपका क्या होगा। एवरीवन, द प्रीडोमिनेंट प्रैक्टिस एट हड़प्पा वॉज क्रीमेशन, बरिंग एस केप्ट इन एन अर्न, एक्सटेंडेड बरियल ऑफ द बॉडी अलोंग विद पॉटरी, मेकिंग अ मेमोरियल टू मार्क द साइट। ए बी सी या डी? सही आंसर क्या है आपका? सो गाइस, काफी लोग इसका आंसर सी दे रहे हैं, एंड सी इज द करेक्ट आंसर। देखो ये हमने पहले भी बात की है कि जो हड़प्पा है वहां पे कुछ जरूरत की चीजों के साथ, है ना, उनको दफनाया जाता था, है ना, सब को साथ साथ जो पोटरी है उसको भी दफनाया जाता था। और बेसिकली तीन टाइप के समाधान प्रक्रिया हैं, तीन टाइप की क्रीमेशन प्रैक्टिसेस हैं जो हड़प्पा में होती थी। अब मुझे कौन कमेंट करके बताएगा कि कौन कौन सी समाधान जो प्रक्रिया है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान प्रैक्टिस की जाती थी। तो आप ध्यान से देखिएगा इस, ठीक है, तीन तरह की प्रैक्टिसेस थी जो यहाँ पे होती थी बेसिकली। एक तो है आपका कंप्लीट ब्यूरियल्स, है ना, यानी पूरा का पूरा दफनाया जाता था इंसान को, ठीक है, यानी पूरी की पूरी बॉडी है उसको दफना दिया जाता था। एक फ्रैक्शनल ब्यूरियल्स होते थे गाइस, फ्रैक्शनल ब्यूरियल्स। फ्रैक्शनल ब्यूरियल्स में क्या होता था कि कई बार जो बॉडी होती थी, जो डेड बॉडीज होती थी गाइस, उनको जानवरों को खाने के लिए दे दिया जाता था। जैसे आजकल बहुत सारे सेक्ट्स ऐसे होते हैं, कुछ सेक्ट्स हैं, बहुत सारे तो नहीं है, जो जंगली जानवरों को खाने के लिए रख देते हैं, है ना। तो एक फ्रैक्शनल जो बचता था फिर उसको दफनाते थे। एक होता है आपका पोस्ट क्रीमेशन बिरियल्स, पोस्ट क्रीमेशन बिरियल्स। सो जो पोस्ट क्रीमेशन बिरियल्स हैं गाइस, है ना, ये तीन टाइप के आपके क्या हैं, बिरियल्स प्रैक्टिसेस जो आपको मिली है कहां से, हड़प्पा में। तो दफन प्रथाएं हैं जो हड़प्पा की होती थी, कंप्लीट बिरियल होता था, एक आपका फ्रैक्शनल बिरियल होता था, एक आपका पोस्ट क्रीमेशन बिरियल होता था। तो ये चीज आपको याद रखना है, क्लियर एवरीवन? तो ये चीज याद रखना है, भूलना नहीं है एवरीवन। ओके, एक चीज और भी याद रखनी है गाइज, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हमेशा उनका जो डायरेक्शन होता था जो बॉडीज का, वो नॉर्थ टू साउथ होता था, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में उनका हमेशा सर हुआ करता था, यानी उनको जब दफनाते थे। ये है, और ये क्वेश्चन आपका यूजीसी नेट में पूछा गया है, यूजीसी नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो ये देख लीजिए आप, ठीक है, ये देख लीजिए, इस तरह से इनको दफनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, आंसर दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। द क्रॉप्स कल्टीवेटेड बाय द हरप्पन इंक्लूड, हड़प्पा वासियों के द्वारा उगाई जाने वाली फसलों में कौन कौन शामिल था? व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, बार्ले, ग्राउंडनट एंड राइस, व्हीट, राइस, सुगर कीन, व्हीट, कॉटन एंड सुगर कीन। 15 सेकेंड, और 15 सेकेंड में आपको आंसर देना है। सो बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। एवरीवन आंसर दीजिए गाइस, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से सब लोग आंसर करेंगे। द क्रॉप्स कल्टीवेटेड बाय द हरप्पन इंक्लूड व्हीट, बार्ली एंड मस्टर्ड, बार्ले, ग्राउंडनट एंड राइस, व्हीट, राइस एंड सुगर केन, व्हीट, कॉटन एंड सुगर केन। ए बी सी या डी? के, खे, गे या के?
आंसर बताइए आप सब लोग इसका। सो जाकिया बानो, ए अक्षिता, संदीप, निमाय, प्रीति कुमारी, शिवम दुबे, मनोज सी आंसर दे रहे हैं, नेहा डी आंसर दे रहे हैं। तो मिक्स आंसर यहाँ पे देखने को मिल रहा है, कोई एक कॉन्क्रीट आंसर अभी तक नहीं मिला है। लेट्स सी क्या होगा करेक्ट आंसर आपका। और चलो जी, तो देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। जो सही आंसर मुझे लग रहा है गाइस वो है ए, ठीक है। वीच गेहूं, ठीक है, बार्ले यानी जो, और आपका मस्टर्ड। वीट, बार्ले और मस्टर्ड तीन फसल हैं जो इस सीक्वेंस से आपको मिलती हैं गाइस। अब इसके अलावा भी बहुत सारी फसलें थी जो हड़प्पा के लोग हैं, जो हड़प्पा वासी हैं वो उगाते थे। इसके अलावा भी बहुत सारी फसलें थी गाइस जो उगाया करते थे। तो देखते हैं कौन कौन सी इसके अलावा जो फसल थी वो उगाया करते हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए सभी लोग कि इसके अलावा कौन कौन सी फसल थी जो वो उगाया करते थे। एवरीवन फटाफट से एक बार आप सभी लोग मुझे बता दीजिए कि कौन कौन सी फसल थी जो उगाया करते थे वो। सो देखिए गाइस कि सुगर केन वहां पे नहीं मिलता था, इसको कंफ्यूज मत करना, सुगर केन वहां पे नहीं उगाया जाता था, है ना। तो ये चीज आपको याद रखना, सुगर केन वहां पे नहीं उगाया जाता था आपका। यस, सुगर केन नहीं मिलता था, तो इससे आराम से इसको एलिमिनेट आप कर सकते हैं, ठीक है। और ना ही आपको ग्राउंड नट मिला है वहां से, ग्राउंड नट भी वहां से नहीं मिला है आपको, बाकी फसलें वहां पे उगाई जाती थी, तो ये आपको याद रखना है। यस, कॉटन भी था आपका, बिल्कुल था, कॉटन भी, कॉटन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट आर लोकेटेड इन द कच्छ रीजन। कच्छ क्षेत्र में निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन स्थित है। देसलपुर एंड सुरकोटड़ा, रंगपुर एंड राजौरी, अलादीनो एंड बालाकुट, और लोथल एंड सुरकोटड़ा। आंसर बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा। 15 सेकेंड है आपके पास में। विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट आर लोकेटेड इन द कच्छ रीजन। देसलपुर एंड सुरकोटड़ा, रंगपुर एंड राजौरी, अलादीनो या बालाकोट, लोथल एंड सुरकोटड़ा। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, सही आंसर बताइएगा एवरीवन। कच्छ क्षेत्र में निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा स्थित है। देसलपुर और सुरकोटड़ा, रंगपुर रजौरी, अलादीनो, बालाकोट, लोथल और सुरकोटड़ा। ए बी सी या डी। ए बी सी या डी, सही आंसर आपको बताना है। सो गाइस जो सही आंसर है मेरा, जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका, वो है आपका देसलपुर और सुरकोटड़ा, ठीक है। और देखते हैं कितने लोगों ने इसको ठीक किया है। शशांक मणि मौर्या एंड प्रभात शर्मा, वेरी गुड। बिट्टू देवी, बिल्कुल सही आपका भी। नमिता, अक्षिता शर्मा, अनु राजपूत, रोली यादव, सो वेरी गुड, है ना। प्रीति कुमारी, काफी लोगों ने इसको ठीक किया है गाइस। देसलपुर और सुरकोटड़ा ये आपके कहाँ पे हैं, कच्छ रीजन में है, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि कच्छ रीजन कहाँ पे है। निमाई का बोलना है कि धोलावीरा भी होगा, धोलावीरा नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखिए आप, है ना, धोलावीरा होगा बट इसमें ऑप्शन में नहीं है ना, ऑप्शन में नहीं है तो हम कैसे धोलावीरा को इंक्लूड करेंगे। अब देखो ये है आपका कच्छ वाला रीजन गाइस, ठीक है। ये है आपका रन ऑफ कच्छ, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये है आपका देसलपुर और ये है आपका सुरकोटड़ा, वन और टू, ठीक है। ये देखिए आराम से इसको थोड़ा सा गौर से, देसलपुर रहा आपका और ये है आपका सुरकोटड़ा। और क्वेश्चन भी हमसे यही पूछा गया था कि देसलपुर और आपका सुरकोटड़ा।
क्लियर एवरीवन? तो देसलपुर एंड सुटकोटरा इज द वेरी करेक्ट आंसर, और जिसका भी आंसर ए है वो 2+ अपने स्कोर में कर सकते हैं एवरीवन। ठीक है जी, चलो तो याद रखना है ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोथल नहीं है कच्छ वाले रीजन में, लोथल यहां पे है गेको, नीचे है लोथल, लोथल की लोकेशन नीचे है आपकी, बहुत नीचे है वहां, साउथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले गाइस आप सभी लोग स्पेशल क्लासेस भी देखिएगा एवरीवन, जो हमारी स्पेशल क्लासेस होती हैं 7:30 बजे रोज सुबह 7:30 बजे गाइस हमारी फ्री क्लासेस हो रही है अनअकैडमी ऐप पर, है ना, अनअकैडमी पे। तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आफ्टर द क्लासेस, आफ्टर द क्लास उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और ये जो फ्री क्लासेस हैं इनको भी आप अटेंड कीजिए, 7:30 बजे हो रही हैं, डेली होती हैं आपकी क्लासेस, ठीक है? तो आपका रिवीजन कुछ बेहतर तरीके से हो पाएगा और ज्यादा टॉपिक आप गाइज रिवाइज कर पाओगे, है ना। तो इन क्लासेस को भी आप लीजिए एवरीवन, रेगुलर बेसिस पे लीजिए सब लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज साइट ऑफ द हरप्पन सिविलाइजेशन वेर एन अ पर्सियन गल्फ सील हैज बीन अनअर्थन, मोहनजोदारो, धोलावीरा, लोथल या कालीबंगन। और 15 सेकेंड है आपके पास, 15 सेकेंड में आंसर देना है। सो बताइए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा साइट है जो हड़प्पा सभ्यता जिसमें फारस की खाड़ी का मोहर का पता लगता है? ऐसी कौन सी साइट है जहां पर्सियन गल्फ की सील मिली है आपको? मोहनजोदारो है, धोलावीरा है, लोथल है या कालीबंगा है? ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? और जो सही आंसर है वो है आपका सी गाइस, ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर, लोथल। ठीक है जी, और ये हमने पहले भी बात की है गाइस, है ना, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि यहां से आपको ईरानियन सील मिली है, बताया था आपको, याद है वो पुराने जमाने की बातें, है ना, पुराने जमाने की बातें याद करो, जो अभी 10 से 20 मिनट पहले ही मैंने आपको समझाया था कि लोथल से आपको ईरानियन सील मिली है, ठीक है? तो याद रखो, भूलना नहीं है सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है? लोथल की लोकेशन पता ही है मुझे, ये रहा मेरा लोथल, ओके। चलो जी, ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट वेस्टर्नली आउटपोस्ट ऑफ द हरप्पन कल्चर? सबसे पश्चिमी चौकी कौन सी है? सबसे जो आपके ऑप्शन दिए हैं उनमें से ही आपको बताना है, अलग से नहीं बताना है आपको, उनमें से ही आपको बताना है, लोथल, सुरकोटड़ा, सुटका गैंडोर, सॉरी सुटका गैंडोर, रंगपुर और मांडा। आपको बताना है कि सबसे वेस्ट में कौन सा है, ठीक है? मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देता हूँ, 15 सेकेंड है आपके पास में, मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ। ये देखिए, नॉर्थ, साउथ, ठीक है, और वेस्ट, और ये है आपका ईस्ट। आपको बताना है कि इनमें सबसे वेस्ट में कौन सा है एवरीवन, लोथल, सुतका गेंडोर, रंगपुर या मांडा, आंसर बताइए आप। सही आंसर क्या होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द मोस्ट वेस्टर्नली आउटपोस्ट ऑफ द हरप्पन कल्चर? लोथल है, सुटका गेंडोर है, रंगपुर है या मांडा है? ए, बी, सी या डी? और काफी लोग इसका आंसर बी दे रहे हैं, जैसे अनु राजपूत, शशांक, प्रतीक्षा, मिशन यूपीएससी, स्वाति, नेहा, सभी ने आंसर बी किया है। चलो जी, तो देखते हैं आंसर क्या है मेरा, और आंसर आपका बिल्कुल सही है गाइस, बी इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले तो अपने लिए तालियां बजा लीजिए आप, है ना, शाबाश, वेरी गुड, सुटका गेंडोर, है ना। अब थोड़ा सा
अक्षिता का बोलना सर ऐसे ही समझाया था आपने अक्टूबर की क्लास में, बिल्कुल हाँ मैंने आपको ये सारी की सारी चीजें समझाई हुई हैं। अब दोबारा से आपको समझाता हूँ, देखो है ना, इस मैप को देखिएगा गाइस आप, है ना, इस मैप को देखोगे तो आप देखना है हमारे पास है चार ऑप्शन, ठीक है, लोथल, सुटकागेंडो, रंगपुर और मांडा। देखिए रंगपुर ये रहा मेरा, लोथल ये रहा, और मांडा गाइस आपका यहाँ पे है ना ऊपर बिल्कुल, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है, और सुटका गेंडोर है ये रहा, देखो ये रहा सुटका गेंडोर। तो सबसे पश्चिमी में कौन सा है, वेस्टर्न मोस्ट आपका क्या है, सुटका गेंडोर है ये वाला मेरा आंसर है गाइस, ठीक है। यहां पे देखो ध्यान से, ये देखिए ये है ना, और सबसे ऊपर देखना है तो आपको जम्मू एंड कश्मीर मांडा दिखेगा, फिर यहाँ पे ईस्ट में आलमगीरपुर है गाइस यूपी में, जो सबसे ईस्टर्न पोस्ट है, और लास्ट में आप देखोगे तो दैमाबाद है आपका, दैमाबाद महाराष्ट्र में। तो ये है आपका हड़प्पा का एक्सटेंशन यानी विस्तार है ना, और इसको आपको याद रखना है, ठीक है जी, इतना क्लियर सबको एवरीवन। चलो जी, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और 15 क्वेश्चन है आपका, बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज मोस्ट एक्सटेंसिव इन एरिया, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा सबसे अधिक क्षेत्र या व्यापक है आपका, मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, धोलावीरा है, या कालीबंगा है, 15 सेकंड है आपके पास में, सो मुझे बता दीजिए आंसर क्या होगा इसका, करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज मोस्ट एक्सटेंसिव इन एन एरिया, मोहनजोदारो, हरप्पा, धोलावीरा या कालीबंगा, कै खै गै या गै, बताइए आंसर। सही आंसर क्या होगा, सो जो करेक्ट आंसर है, देखते हैं कितने लोग इसको कर रहे करेंगे, कुछ लोग सी आंसर दे रहे हैं, कुछ ए, कुछ बी, कुछ डी भी दे रहे हैं, तो मिक्स आंसर यहाँ पे देखने को मुझे मिल रहा है अभी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वार द मोस्ट एक्सटेंसिव इन एरिया, मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, धोलावीरा है, कालीबंगन है, या क्या है आपका, और जो सही आंसर है गाइस, जो करेक्ट आंसर है वो है मेरा ए, सबसे एक्सटेंसिव एरिया किसका है, मोहनजोदारो का है गाइस, सो ए इज द करेक्ट आंसर, कंफ्यूज नहीं होना है सबको, ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। मोहनजोदारो गाइस, मोहनजोदारो सबसे विस्तृत क्षेत्र है, सबसे बड़ा साइट है आपका मोहनजोदारो, ठीक है जी, तो याद रखना है, भूलना नहीं है सबको, काफी इंपॉर्टेंट है हम हमारे एग्जाम के लिए ये, ठीक है। तो जिसका भी आंसर ए है वो 2+ अपने स्कोर में करें गाइस, और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक का बटन दबा दो, और एक बार वीडियो को आप सब लोग शेयर भी कर दो एवरीवन फटाफट से, ठीक है। और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं गाइस वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी कल करेंगे, जो बचे हुए हमारे क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे, ठीक है, और उसके बाद में दूसरा टॉपिक हम कवर अप करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही, ठीक है। तो हमारा साइट और टाउन प्लानिंग से 15 क्वेश्चन अभी बचे हैं, वो हम कल कवर करेंगे। इसके बाद में गाइस अगर आपको प्लस पे पढ़ना है, आपको PDF चाहिए है ना, आपको कंप्लीट कवरेज चाहिए पूरा का पूरा, पेपर 2 अच्छे से पढ़ना है, और मेरे से पर्सनल गाइडेंस आपको चाहिए, तो कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको इन अ सिंगल सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, यानी एक सिंगल सब्सक्रिप्शन आपको लेना है अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक, और जब भी वो सब्सक्रिप्शन ले तो रेफरल कोड SHIV10 है, इसको अप्लाई कीजिएगा, इससे 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा, और ये डिस्काउंट सिर्फ अब फेब के लिए ही है गाइस, मार्च में ये जो आपका डिस्काउंट जो आप मिल रहा है ये 5% मिलेगा आपको 10 से, तो आपके पास में अभी अच्छा चांस है, तो अभी आप इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ओके। कोर्स की 12 महीने की फीस है 13,750, और जैसे ही आप मेरा रेफरल कोड यहां से अप्लाई करोगे तो
तो आपकी जो फीस है वो हो जाएगी 12,375 रुपये, यानी इंस्टेंट 10% आपको डिस्काउंट यहाँ से मिल जाएगा गाइस। उसके बाद में आइकोनिक की बात करूँ तो 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का। इसमें 12 महीने की फीस है 26,000, और जैसे ही आप रेफरल कोड अप्लाई करेंगे तो वही आपकी फीस 10% यहाँ से कम और 23,400 रुपये में आपको पूरी साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा गाइस। 1 से 2 से 3 बार आप एग्जाम दे सकते हो, प्लस आपको पर्सनल कोच है वो भी यहाँ से मिलेंगे, पर्सनल कोच आपको मिलेगा यहाँ से। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको मिलती हैं आइकॉनिक में। उसके बाद में ये मेरा प्रोफाइल है अन एकेडमी का, अगर आपने फॉलो नहीं किया तो यहाँ से आप मुझे फॉलो कीजिए। इसके बाद में जितनी भी मेरी क्लासेस हैं, फ्री क्लासेस हैं, उनके रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। पेपर टू की क्लास जैसे कि मैंने बताया, अभी हम जो साउथ इंडियन हिस्ट्री है, साउथ इंडियन हिस्ट्री है, उसको कवर अप कर रहे हैं, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। 4 PM पे आपका रिसर्च एंड कम्युनिकेशन चल रहा है, यानी पेपर वन की क्लासेस 4 PM पे डेली होती हैं। अनलॉक कोड है SHIV10, इस कोड को अप्लाई करके आप जितनी भी क्लासेस हैं उनको फ्री में अवेल कर सकते हैं। कोड याद रखना है SHIV10 ही अप्लाई करना है आपको। ओके गाइस, तो थैंक यू सो मच, आई होप आपको सेशन अच्छे लगे होंगे गाइस। तो अच्छा लगा तो आप सभी लोग लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको रेगुलर बेसिस पे जितनी भी क्लासेस होंगी उनके रेगुलर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच वंस अगेन, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।